हमारे बड़े भाई अनुभव सिन्हा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर आएँ और अपने अल्फाज से हम सबको नवाजें। ताजी से ज़ोरदार इस्तकबाल करिए, लगना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस्तकबाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यूनियन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजने के लिए चुना। पिछले 3-4 महीनों में मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, पर आज जो मिला है वो सबसे ज़्यादा कमाल था। सर बहुत बड़ा है, मेरा सर बहुत बड़ा है, इस पर कोई टोपी अटती नहीं है, रखी हुई है। आप सबका शुक्रिया अदा करने इसके बाद जो पहली बात जो मुझे आप सबसे कहनी है, मौका नहीं हुआ कि चंद महीने पहले इसी कमरे को लेकर के एक यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था। उसके ख़िलाफ़ जितनी शिद्दत, जितनी शाइस्तगी से आप सब खड़े हुए, मैं रोज़ घंटे दर घंटे जितने मेरे दोस्त हैं अलीगढ़ में सबको फ़ोन करके लगातार पता कर रहा था। मतलब आप सब ने कमाल किया। मैं रोज़ इस बात से डरा रहता था कि पता नहीं कब किससे कौन सी छोटी सी गलती हो जाएगी जो अगले दिन हेडलाइन बन जाएगी, पर ये कमाल रहा कि कुछ भी हुआ हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। और फ्यूचर में भी कभी जब भी ऐसा लगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो इतनी ही ताकत के साथ बाआवाज़ बुलंद उसका मुकाबला किया जाए, उसका विरोध किया जाए। हमारे जैसे लोगों से जिस भी किस्म की कोई ज़रूरत, कोई मदद की ज़रूरत हो, एक आवाज़ की जाए और हम यहाँ हाजिर होंगे। गलतियाँ की जाएंगी तो उसकी डांट भी दी जाएगी वैसे, और वो भी वहीं से दी जाएगी जहाँ से तारीफ़ें भेजी जाएंगी। वो क्या है दोस्त, अभी सब लोग मुसलसल, अभी ये देश में, दुनिया में एक ऐसा माहौल है कि हम लोग डिवीज़न की बातें कर रहे हैं। मैं अभी सोच रहा था यहाँ बैठा हुआ कि तसव्वुर कीजिए ऐसा होता अगर कि आप सब, इतने सारे लोग नहीं होते, आप सब मिलके एक इंसान होता और मैं होता, और मेरा इस कुर्सी पर बैठना आपकी हाँ या ना पर डिपेंड करता, तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं सिर्फ आप सब जो एक इंसान होता अगर, तो आप मुझे ये बता सकते थे कि तूने ये गलत किया या तूने ये सही किया। इसलिए ज़रूरी था कि हम एक ना हों, इसलिए ज़रूरी था कि हमको टुकड़ों 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 में बांट दिया जाए और फिर हमारे ऊपर राज किया जाए। तो ये सियासत का काम है, ये सियासत का फ़र्ज़ है कि वो हमको बांटे, और ये हमारा फ़र्ज़। अब वो खाली हिंदू मुसलमान नहीं है, और जिस दिन ये अभी जो नया दौर शुरू हुआ था, ये उस दिन मैंने फेसबुक पे लिखा था कि बात हिंदू मुसलमान पे रुकेगी नहीं, ये अभी और आगे जाएगी और जितने भी टुकड़ों में बांटा जा सकता है उनको बांटने की कोशिश की जाएगी। पर वो सियासत का काम है, वो करे। वो क्या बड़ा अच्छा शेर है ना कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जो एक बड़ी बुरी बात है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो एक्टिव नहीं होते, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। कभी आप सोच के देखो कि पिछले कुछ सालों में कितने ऑर्गेनाइज तरीके ने से बुराई ने काम किया है, वो चाहे इंटरनेट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेक फोटोज़ हो, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट। आप जो अच्छे लोग हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, मैं अच्छा हूँ, क्या हमने कभी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छाई को फैलाने की कोशिश की? नहीं। अच्छे लोग आलसी होते हैं, आलसी से ज़्यादा उनका ये बिलीफ होता है कि अच्छाई तो बाद में जीतेगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे।
लेकिन मुझे लगता है कई दौर ऐसे आते हैं जब अच्छाई को ऑर्गेनाइज होके पूरी ताकत से बुराई से लड़ना पड़ता है, और यकीन मानो ये जो लोग बुराई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत कम हैं, उनको ऐसे हरा दिया जाएगा। हम वो कौम हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को, अंग्रेज़ों को, यहाँ से हटा के फेंक दिया था, तो ये तो एक मुट्ठी लोग। हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद, हम लोग दिन भर लड़ते रहते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी दोस्त ने कहा होगा, यार मेरी माँ के हाथ के पराठे, वैसे पराठे कोई नहीं बनाता। सुना है कि नहीं सुना है? और जब वो कह रहा होता है तो अपने दिल में ऐसा चल रहा होता है, नहीं मेरी माँ के बेटर होते हैं एक्चुअली, बट ये प्यार से कह रहा है तो अपन उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ यार वो तेरी मम्मी पराठे बहुत अच्छे बनाती है। मालूम भगवान का भी ऐसा ही है। जब हम अपने भगवान की बात करते हैं, जब मेरा कोई दोस्त कहता है कि मेरा भगवान बेस्ट है, तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि तुम्हारा भगवान खराब है। वो अपने भगवान के प्यार में, वो अपने भगवान की इज्जत में, जैसे उसने अपनी माँ के परांठों के लिए कहा था ना, वैसे उस इंसान ने अपने भगवान के लिए कहा। और जैसे उसने उस वक्त आपने अपने दोस्त के हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ तेरी मम्मी पराठे बहुत अच्छी बनाती है, अगर उसके साथ हमने हाँ में हाँ मिला दी तो कोई गलत बात नहीं है। ना उससे उसका भगवान छोटा होने वाला है, ना उससे हमारा भगवान छोटा होने वाला है। एक्चुअली तो ये पक्का मालूम भी नहीं कि हम दोनों के भगवान अलग अलग भी हैं क्या। मुझे तो कन्फर्म मालूम नहीं है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। हम लोग लगातार सिंबलिज्म में उलझे रहते हैं। उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अच्छा, कितनी गलत फहमियाँ हैं जिनके साथ हम जिंदा रहते हैं, जो हमको मुसलसल बेची जाती हैं। कि एक दिन मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया, मैं ऑफिस में था, छोटा है, अभी 17 का है, उस समय 15-15 का था। बोला, पापा घर के नीचे ना पीछे वो पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, मैसेज आया था। तो मैंने कहा, नॉट पॉसिबल। तो बोला, नहीं लगे हैं। तो मैंने कहा, अच्छा मुझे फ़ोटो भेजो। तो उसने फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप की। फिर मैंने देखी तो वो ज़ाहिर है, वो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वो इस्लाम का झंडा था, उसमें वो सफ़ेद पट्टी नहीं थी जो पाकिस्तान के झंडे की है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा, बेटा ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये इस्लाम का झंडा है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को इन दोनों चीज़ों का फ़र्क नहीं मालूम है, और हुक्मरानों को ये बात मालूम है कि उनको फ़र्क नहीं मालूम है। तो गलत फहमी फैलाना कितना आसान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में जानें। जब किसी भी, मैंने पिछले 5-6-7 सालों में जब भी मैं इस किस्म की चीज़ें देखी सुनी जिन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, तो सबसे पहला रास्ता ये था कि उसके बारे में जानूं, पढ़ूं उसके बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा मज़हब हो या मेरा समाज हो, क्योंकि कुल मिला के एंड ऑफ द डे वो समाज हम सबका है। हम सब यहीं साथ रहने वाले हैं, सब यहीं इतने सालों से साथ रहे हैं। और जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही पीछे कहीं, मैंने, जावेद अख्तर साहब, कि ये छोटे छोटे दौर जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे ना, तो एक पन्ना पलटेंगे तो 200-400 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे जब इतिहास लिखा जाता है। तो ये 2-4-5 साल की तकलीफें बहुत मामूली हैं। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि ये बहुत ख़राब दौर चल रहा है। ये ख़राब दौर अगर चल रहा है तो सिर्फ इस लिहाज से कि अच्छे लोग काम नहीं कर रहे हैं और बुरे लोग अच्छे लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। वरना हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जितना प्यार था उतना ही है, बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ है। मतलब जब मैं अलीगढ़ पढ़ने आया था 1982 दिसंबर में, तो बनारस में मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्तों में ऐसा जिक्र था कि जैसे पाकिस्तान जा रहा हूँ, और मुझे भी लगता था। और मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं बहुत खुदगर्जी से आया था यहाँ पे कि ठीक है वो पाकिस्तानी होगा तो जाएंगे, अपनी अपन डिग्री लेके आ जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर बात ख़त्म। और फिर जब यहाँ आया और फिर यहाँ मिला लोगों से, यहाँ दोस्तों से मिला, दोस्त बने, ऐसे ऐसे दोस्त बने कि आज सरमत भाई को मिला 30 साल बाद, मुजम्मिल को मिला, पता नहीं चले गए शायद वो लोग, 30 साल बाद,
तो मुझे याद भी नहीं है कि सरमद हिंदू है कि मुसलमान है, मुजम्मिल हिंदू है कि मुसलमान है, मुझे नहीं पता ही नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है। तीस तीस साल बाद मिले और बिल्कुल वैसे के वैसे मिले जैसे तब मिलते थे। इतना कुछ दिया इस यूनिवर्सिटी ने। ये जो सिंबलिज्म है ना, ये सिंबलिज्म है जो आपने टोपी दी मुझे, ये हमारी परंपरा है जो सिंबलिज्म से आई है। इसको लेके एक कुछ भी कहानी बनाई जा सकती है, इसको लेके मेरे बारे में हज़ार बातें की जा सकती हैं, की जाएंगी। और मुझसे लड़ने को तैयार है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो जाहिल अनपढ़ लोग हैं। बात ऐसे होती है जैसे शेरवानी मुसलमानों का कॉपीराइट है, वो सच नहीं है। शेरवानी मुसलमानों का कॉपीराइट नहीं है और ना ही उर्दू मुसलमानों का कॉपीराइट है। बस लेकिन ये कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इसका मतलब उर्दू हमारी नहीं है, उर्दू किसी और की है। अरे तुम्हारी है, वो दूसरा देश तुमसे लेके गया है, उधार लेके गया है। शेरवानी हमारी हमारी है, हमने बनाई है शेरवानी। नेहरू जी शेरवानी सारी जिंदगी पहनते रहे, अब तो वैसे उनको भी बताते हैं मुसलमान है, उनका गोत्र कन्फर्म नहीं है। तो कुल मिला के आप लोग वो हैं जो मैं आज से 30 साल पहले था। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि अच्छाई को लेके आलस मत करो। ये वो वक्त नहीं है जब आप बैठे रहेंगे और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छाई का प्रदर्शन मुजाहिरा जिस तरीके से कर सकते हैं करें, वो फेसबुक पे करें, वो फिजिकली कहीं और जाके करें। आज मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने पूछा मंदिर मस्जिद के बारे में आपका क्या कहना है, मैंने कहा बना दो, प्लीज़ बना दो, मैं भी आऊँगा, हुसैन भाई भी आएंगे, हम सब लोग आएंगे, बना ही दो यार, ख़त्म करो। अगर वही एक झगड़ा बचा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में तो वो ख़त्म कर देते हैं। अगर ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का आखिरी झगड़ा है तो मुझे लगता है ठीक है भाई, बनाओ। कुछ लोग उसका ब्यूटी का दर्शन करने जाएंगे, कुछ लोग वहाँ भक्ति करने जाएंगे, बना के ख़त्म किया जाए। लेकिन ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए, और ये झगड़ा उतना है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ ये झगड़ा उतना है नहीं। ये झगड़ा सिर्फ इतना नज़र आता है कि जिसको नफ़रत फैलानी है वो बोलता ज़्यादा है और जिसको प्यार फैलाना है वो बोलता ही नहीं है। रेशियो एक पे हज़ार का है, एक पे हज़ार का रेशियो है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुल्क रिलीज़ हुई और वो कुछ ट्रेलर पे ऐसा शक हुआ लोगों को कि ये थोड़ी एंटी हिंदू पिक्चर है, तो उन्होंने उसका एक कैंपेन किया कि वो एक IMDB करके एक वेबसाइट है, उस पे फिल्मों की रेटिंग होती है। 3 दिनों में 4 या 4,500 आदमियों ने, फिल्म की रेटिंग चल रही थी 10/10, 3 से 4,000 आदमियों ने उसको 1/10 रेट किया और फिल्म की रेटिंग 2 पे पहुंच गई। दे आर दैट ऑर्गेनाइज्ड, बट गुडनेस इज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड। ये बात मैंने कई बार कई जगह पे बोली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन नंबर क्या है 4,000, एक दिन 4,000 अच्छे लोगों ने कहा कि चलो इस नंबर को बीट कर देते हैं। अच्छा आलसी होता है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है और हमको अच्छाई को प्रोपेगेट करने की, एक दूसरे में बांटने की जरूरत है। गोइंग बैक टू वो जो एक बच्चा बनारस से पाकिस्तान गया था पढ़ने के लिए, आज उसी बच्चे को यहाँ पे पता नहीं कितने सारे फूल, इतने फूल कभी ना मेरे ऊपर पड़े, वो शायद एंड में भी नहीं पड़ेंगे। जब मैं जाऊँगा यहाँ से तो भी शायद इतने फूल मुझे नहीं मिलेंगे, तो मेरे मैक्सिमम फूल का जो कोटा था आज ख़त्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, फ्लाइट लेट थी आज, मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हर जितना भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगेगा उसका जवाब बार बार आंदोलन नहीं है, उसका जवाब ये है कि 2019 का IAS टॉपर AMU से है। उसका जवाब ये है, और ये जवाब देना है अगर तो देना ही पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। IIT में सबसे ज़्यादा बच्चे AMU से गए, IAS में सबसे ज़्यादा बच्चे AMU से गए। ये जवाब है उन तमाम इल्ज़ामात का जो आपके ऊपर सालों साल से लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, यकीन मानिए ये कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि इस पर सियासत होती है, इस पर सरकारें बनती हैं। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट
It is absolutely fine as long as you understand कि मेरे पास इसको जवाब देने का तरीका ये है, वो जवाब एक एक करके मुसलसल देते रहिए, ये बातचीत ख़त्म हो जाएगी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।